नमस्कार मित्रों, आज टैक्स की पाठशाला में एक बार से फिर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉर्म 26AS। जो लोग आयकर से जुड़े हुए हैं उन्हें ये मालूम ही होगा कि ये फॉर्म 26AS क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग ये जानते हैं कि फॉर्म 26AS क्या है, लेकिन काफ़ी सारे इससे जुड़े गूढ़ रहस्य वो नहीं जानते। आज उन्हीं गूढ़ रहस्यों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि फॉर्म 26AS एक डेंजरस टूल है आयकर विभाग के हाथ में, जिसका इस्तेमाल वो आपके खिलाफ कर सकता है। उसमें काफ़ी सारी ऐसी जानकारी उपलब्ध है जिसके आधार पर आयकर विभाग आप पर कोई एक्शन ले सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इन गूढ़ रहस्यों की कि आखिर ये 26AS है क्या। तो दोस्तों, 26AS है आपका पैन लेजर जो आयकर विभाग के पास मौजूद है, जिसमें आपके पैन से संबंधित जितने भी टैक्स संबंधित जानकारियां हैं वो आयकर विभाग के पास उपलब्ध हैं। अब बात आती है कौन कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जो मेरे पैन से रिलेटेड हैं और आयकर विभाग के पास वो उपलब्ध हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, पार्ट ए ऑफ 26AS डील्स विद डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये पार्ट ए बात करता है कि आपकी इनकम पर अगर स्रोत पर कोई टैक्स काटा गया है, चाहे वो आपके वेतन पे काटा गया है, चाहे ब्याज की आय पे काटा गया है, चाहे आपसे कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट इनकम है उस पे काटा गया है, चाहे आपकी कोई अन्य आय है उस पे कोई टैक्स काटा गया है, जैसे आपको कहीं से कोई कमीशन प्राप्त हुई है उस पे अगर कोई टैक्स की डिडक्शन हुई है, तो वो कर का ब्यौरा यहाँ पर दर्शाया जाता है। लेकिन क्या दर्शाया जाता है? सबसे पहले पार्ट ए में सेक्शन आता है किस धारा के अंतर्गत ये टैक्स काटा गया है, किस डेट को काटा गया है, किस डेट को इसकी बुकिंग हुई है, कितना अमाउंट आपको पे किया गया था, कितना टैक्स आप पे डिडक्ट किया गया था। अगर यहाँ पर दोस्तों 192 सेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप वेतन कर भोगी हैं और आपको वेतन से आय हुई है। एक एग्जाम्पल और दूंगा, अगर यहाँ पर 194C आ रहा है तो डैट मीन्स आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट इनकम है। अब मैं यहाँ पर ये क्यों जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे यहाँ बताना अनिवार्य है। सपोज करिए आप वेतन कर भोगी हैं और आपकी इनकम पे जो डिडक्शन हुई है आपकी जानकारी के अनुसार, आपके एम्प्लॉयर के सर्टिफिकेट के अनुसार, वो 70,000 रुपये है, लेकिन फॉर्म 26AS में वो अमाउंट 90,000 रुपये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे लोग अब केवल 26AS फॉर्म के आधार पर ही अपनी आयकर की विवरणी दाखिल कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर 26AS में दिखाई गई राशि में और आपको इशू किए गए फॉर्म 16 या 16A की राशि में अगर अंतर है, तो दोस्तों यहाँ पर जरूरी है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना। बिना रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाए अगर आप रिटर्न भरते हैं तो ऐसे में विभाग से आपको नोटिस प्राप्त हो सकता है कि 26AS में दिखाई गई राशि और आपके द्वारा विवरण में दाखिल की गई राशि आपस में मैच नहीं करती है, कृपया इसका कारण एक्सप्लेन कीजिए। हमें इस दुविधा में ना फंसना पड़े तो हमें पहले इसके लिए रिकन्सिलेशन बनानी चाहिए और केवल वही टैक्स स्रोत पर कटा हुआ दिखाना चाहिए जो एक्चुअली हमारे से बिलोंग करता है। अगर किसी डिडक्टर ने हमारा पैन गलत डाल दिया है जिसकी वजह से 26AS में हमारी डिडक्शन ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे पे हमारा कोई हक नहीं है, हमें इससे बचना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, जो पिछले साल से एक नई शुरुआत हुई है, एक बैंकों के ऊपर एक और जिम्मेवारी लगाई गई कि आपने उस ब्याज की भी जानकारी देनी है, जिस पे टैक्स नहीं काटा गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आपने 15G और 15H दे रखा है, ऐसे कर की जानकारी भी अब, ऐसी इनकम की जानकारी भी अब फॉर्म 26 पार्ट A1 में आ रही है। इसका मतलब क्या है? पहले बहुत सारी फिक्स डिपॉजिट होते थे
बहुत सारे ब्याज की आमदन होती थी जिस पे हमारा स्रोत पर कर नहीं कटता था, जिसकी वजह से हम वो डिपार्टमेंट से छुपाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब भूल के भी दोस्तों ये गलती ना करना, अगर करेंगे तो डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि कितनी ब्याज की आमदन आपकी ऐसी है जिस पे स्रोत पे कोई कर नहीं काटा गया है। जी हाँ दोस्तों, सावधान हो जाइए, ये अलार्मिंग स्टेज है कि आपको वो इनकम अपनी आयकर विवरणी में दर्शानी है, चाहे आपकी 26AF में वो रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों, कुछ साल पहले एक प्रावधान आया कि अगर आपने 50 लाख रुपए से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो सेलर उसके ऊपर 1% टैक्स डिडक्ट कर लेगा। अगर आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी की जानकारी डिपार्टमेंट से छुपाई है जो 50 लाख रुपए से ऊपर की है और जिसके स्रोत पर कटा हुआ है और फॉर्म 26A में वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप अपने आयकर विवरणी में दिखाना ना भूलें। ऐसी खरीदी की प्रॉपर्टी का सही सही विवरण, आय का स्रोत, किन साधनों से आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी, इसका जिक्र फॉर्म 26AF में होगा। अगर ये उल्लेखित आपकी 26AF में है तो अपनी आयकर विवरण को इस तथ्यों से मैच करते हुए ही आप अपनी आयकर विवरणी दाखिल करें। चौथी बात सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्ट बी डील करता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में। काफ़ी सारे लोगों की ये ड्यूटी लगाई गई है भारत सरकार द्वारा कि उन्हें टैक्स कलेक्ट करना है, जैसे स्क्रैप डीलर्स हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं या आप कोल में डील कर रहे हैं, माइंस में डील कर रहे हैं, अल्कोहलिक लिक्वर में डील कर रहे हैं, तो ऐसे दशा में आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होगा। यहाँ पे डिडक्ट नहीं है सर, यहाँ पे टैक्स कलेक्ट। नमस्कार सर, सर वो फॉर्म रिटर्न कर रहे हैं। अभी करते हैं, अभी वो राहुल आ रहा है, अभी आया नहीं। अच्छा अभी आया नहीं, आ जाओ सर। सिस्टम की भी है इसकी, लेकिन है वही पासवर्ड वाला। पासवर्ड नहीं है सर मेरे पास। पासवर्ड 12 घंटे बाद ही टूटेगा, बात है। ये कोई बात नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार है आपके पास? फिर टूट जाएगा। नहीं तो पासवर्ड ही ले आए वहां से। ले आओ, चलो पासवर्ड ले आते हैं सर, अगर मिल जाएगा तो ठीक है। चलो मैं आराम बैठी तो हूँ, फोन पर बता दूंगी मैं, ठीक है।